बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है, और जनन में मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था कि पौधे कायिक जनन किस प्रकार करते हैं। आज हम आपको इसके दूसरे पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। वैसे तो जनन जीवों का नैसर्गिक लक्षण होता है, प्रत्येक जीवधारी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जनन करते हैं और अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को ही जनन कहते हैं। जीवधारियों में जनन तीन प्रकार से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और तीसरा हमारा लैंगिक जनन है। हमने पहले वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको बताया था, आज मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने चल रहा हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पौधों में नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया, निम्न वर्ग के पौधे, कुछ उच्च वर्ग के पौधे और निम्न वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में केवल लैंगिक जनन ही होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए वैसे तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम बहुत सारे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जाएंगे, बट हम कुछ मेन फीचर्स को पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए पहला हमारा पार्ट होगा अलैंगिक जनन। एक मिनट में आपका समय लूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि अलैंगिक जनन है क्या। अलैंगिक जनन जीवधारियों में बिना किसी गैमेटिक फ्यूजन के होने वाले जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से मैंने अभी बताया कि यह कुछ निम्न वर्गीय जंतुओं पौधों में पाया जाता है और यह निम्न वर्गीय जंतुओं में भी पाया जाता है। इसमें सबसे पहला हमारा है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को कहते हैं द्विभाजन। द्विभाजन का आशय यह है कि कोई भी जीवधारी दो बराबर भागों में टूट जाए और एक जीव से दो जीव का निर्माण हो। मुख्य रूप से इस प्रकार का विभाजन एक कोशिकीय जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और कुछ एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ, युगलीना, पैरामीशियम आदि में पाया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा है बडिंग। बडिंग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी आप लोग मुकुलन जानते होंगे कि केवल एक ही होता है, आप आज जानिएगा कि एक तो मुकुलन आपका होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल जो मुकुलन होगा उसी को हम बोलते हैं टॉरुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? टॉरुलेशन। टॉरुलेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पर जब किसी एक कोशिका पर दूसरा छोटा सा आउटग्रोथ बन जाता है तो इसको बोलते हैं बड। और ये जो बड होता है मुख्य रूप से ईस्ट में, यहाँ पर मैंने दिखाया है ईस्ट में हो रहा है। और ईस्ट कोशिका में कई बार बहुत सारे छोटे छोटे बड्स बन जाते हैं और ये सभी अनुकूल परिस्थितियों में टूटकर अलग होते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया हमारी मुकुलन में ही है, बट इसको जो है हम बोलेंगे इंटरनल बडिंग और टॉरुलेशन। और जो हमारा एक्सटर्नल है जैसे कि हाइड्रा नाइडेरिया संकर जंतु है, इस जंतु के शरीर पर एक छोटा सा हाइड्रा बनता है उभार के रूप में और यह मुख्य जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। यह भी प्रक्रिया बढ़ी है, बट इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल बढ़ी। हमारा जो अब तीसरा पार्ट है इसका, जिसको कि स्पोरुलेशन बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बीजाणु जनन कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। बीजाणुओं के द्वारा जनन बहुत प्रकार से होता है, बहुत सारे बीजाणु बनते हैं अनेक प्रकार के पौधों में, जैसे कि आप ध्यान देंगे जू स्पोर, चल बीजाणु, इसी तरह से दूसरा एप्लैनो स्पोर, हाइपेनो स्पोर को सुप्त बीजाणु कहते हैं, एकाइनिट। इस टॉपिक से आप देखिएगा, ये यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए तो इसेंशियल है ही, साथ ही साथ इससे नीट से भी कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं अगले वीडियो में आपके इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। और आप थोड़ा सा आगे देखते रहिएगा, इकाइनिट के बाद हमारा जो अगला है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर भी रेस्टिंग
सुप्त बीजाणु होता है, मुख्य रूप से बैक्टीरिया जीवाणुओं में बनता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया का जीव द्रव्य पूरी तरह से एक जगह कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद वो क्या करता है, कुछ समय तक वैसे ही पड़ा रहता है और पुनः जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वह बाहर निकल करके नए बैक्टीरिया कोशिका का निर्माण कर लेता है और इस प्रकार ये जनन करते हैं। अगर हम आगे बात करें, हमारा जो चौथा टॉपिक है रीजनरेशन पुनरुद्भवन कहते हैं। रीजनरेशन को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता कुछ जीवों में पाई जाती है। देखिएगा ध्यान देना है, कई बार बोलते हैं छिपकली की पूंछ टूट के अलग हुई तो बोलते हैं कि ये रीजनरेशन है। ऐसा नहीं है। रीजनरेशन मीन्स एक जन्म हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया बता रहा हूँ, ये हमारा जो प्लेनेरिया है ये क्या होता है कि ये जब टूट करके तीन बराबर भागों में टूट गया और इसका प्रत्येक भाग एक इंडिविजुअल प्लेनेरिया का निर्माण कर ले, एक इंडिविजुअल प्रत्येक भाग, ऐसा नहीं कि ये अपना रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया तो हो गया रीजनरेशन, ऐसा नहीं। प्लेनेरिया क्या करता है, टूट करके अलग होता है और इसके प्रत्येक भाग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। जबकि छिपकली की पूंछ का पुनः आना रीऑर्गेनाइजेशन है। इस ये हमारा अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ थी। इसी तरह से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक तो हम बता दें आपको पामेला स्टेज। आप देखिए तालाब अचानक से गर्मियों में खूब सूख जाते हैं और फिर जब बरसात होती है वैसे ही तुरंत उसमें शैवाल आ जाते हैं। कहाँ थी ये शैवाल, उनके सिस्ट जो है उसी मिट्टी में बहुत समय तक दबे रहते हैं। जो एल्गी हैं वो अपने चारों ओर क्या करते हैं, म्यूसिलेजिनस सीथ बना लेते हैं, चिपचिपा आवरण बना लेते हैं जिसे बोलते हैं पामेला अवस्था। इस अवस्था में ये बहुत समय तक पड़े रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इनको पानी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो ये सभी सिस्ट बाहर आते हैं, ग्रोथ करके नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा अलैंगिक जनन था। इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, फिर मैं अगले वीडियो में आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। धन्यवाद।